जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई प्रेम कुमार। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है एनसीसी प्रोसेस के बारे में, एनसीसी में ज्वाइन कैसे हो सकते हैं। और ये जो वीडियो है दोस्तों वो है धनबाद गोल्फ ग्राउंड एनसीसी सिलेक्शन प्रोसेस का। दोस्तों बता दूं कि 2 तारीख को एनसीसी का सिलेक्शन लिया गया था गोल्फ ग्राउंड धनबाद में। और ये जो कॉलेज आपको देखने को मिल रहा है वो है धनबाद का जीएन कॉलेज। दोस्तों बता दूं कि इस प्रोसेस में जो है आप एनसीसी ज्वाइन करने का जो है फुल प्रोसेस है, किस तरह से एनसीसी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्या हाइट मांगा जाता है, ये सारी जानकारी मैं आपको वॉइस ओवर के माध्यम से समझाता जाऊंगा कि कैसे आप भी भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता था कि पहले जो भर्ती होता था वो क्या है कि ओपन रैली होता था, कि जिसको भी भर्ती होना है वो ओपन रैली में आके और भर्ती दे सकता है, उसको आपका एनसीसी में सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इस बार जो है उस तरीके से नहीं किया गया है। अब जो है जो लोग भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने वाले को ही जो है यहाँ पर रनिंग करने का मौका दिया जाएगा। तो पहला प्रोसेस आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हाइट मेजरमेंट किया जा रहा है, और हाइट में कुछ कैटेगरी बांटा जा रहा है दोस्तों। देख सकते हैं कि जिसका हाइट कम है उसको अलग किया जा रहा है, और जिसकी हाइट ज़्यादा है उसको अलग किया जा रहा है। ये क्यों होता है और कितना हाइट मांगा जाता है एनसीसी में, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, तो वो भी आप वीडियो लास्ट तक बने रहिए। और देख सकते हैं कि जैसे भी सिलेक्शन होता जा रहा है हाइट के माध्यम से, उन्हें जो है एक तरफ से रखा जा रहा है, जो कि अगला जो प्रोसीजर होगा रनिंग उनके लिए लाया जाएगा। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है बंदों को रनिंग कराने के लिए ट्रैक पर लाया गया था। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इस एनसीसी भर्ती में कुल 3 ग्रुप बनाए गए थे रनिंग करने के लिए, जिसमें कि पहला जो ग्रुप था उसका जरा सा हाइट ज़्यादा था, उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो आप जब भी भर्ती के अंदर जाते हैं या फिर एनसीसी रैली में जाना चाहते हैं और जाना चाहते हैं कैसे हम जा सकते हैं और उसके बारे में पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं दोस्तों जब भी आप रनिंग करते हैं, रनिंग से पहले वार्म अप वगैरह जरूर कर लिया कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका पैर पूरा फ्री हो जाएगा और रनिंग जो है प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो देख सकते हैं टोटली जो है यहाँ पर है ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने पड़े थे यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ। और ये जैसा कि मुझे पता चला है कि ये जो ट्रैक था वो ट्रैक जो 500 मीटर का एक ट्रैक था, यानी समझ सकते हैं कि 1600 मीटर बोला गया था, पर इन्हें जो है करीब 2 किलोमीटर रनिंग करना पड़ा। लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन कुछ भी नहीं था कि एक लिमिटेशन टाइम है 5 मिनट 6 मिनट, ये टाइम नहीं दिया गया था। जो भी पहले बंदे आए थे, पहले बंदे के आने के बाद 10 से 15 लोगों या 20 लोगों को करीब लिया गया था। तो देख सकते हैं, और जब भी आप रनिंग करने की प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा ही प्रैक्टिस करके जाया करें। ऐसा नहीं कि भाई आपको पता है कि 1600 मीटर की रनिंग है तो 1600 मीटर की तैयारी करके हमको जाना, नहीं, आपको कम से कम 2 किलोमीटर का रनिंग का प्रैक्टिस करके जाना है। अगर आपका 1600 मीटर का प्रैक्टिस रहेगा तो आप कभी भी भर्ती हो या फिर एनसीसी भर्ती हो वो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगर आप भी एनसीसी में ज्वाइन होना चाहते हो तो कैसे हो सकते हो, और अभी जो प्रोसीजर जो चेंज हो गया है कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट के वेबसाइट पर, उसके बाद जो है आपको है भर्ती लिया जाएगा। आप देख सकते हैं भीड़ तो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा होगा, लेकिन पहले अगर आप मेरे पहले का वीडियो देखेंगे तो उसमें एनसीसी के लोग बहुत ज़्यादा रहते थे, यानी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा रहते थे, क्योंकि वो ओपन रैली रहता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार जो है आप जो लोग हैं, जो लोग कॉलेज में ही पढ़ते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों अगर जो लोग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है वही जो है एनसीसी की भर्ती में जा सकते हैं। तो अगर आप भी एनसीसी की भर्ती में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी अप्लाई करें, तो मैं आपके मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो गवर्नमेंट लिंक दे दूंगा जहां पे आप जाकर रजिस्टर्ड कर सकते हो, उसके बाद जो है आप एनसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी भी कॉलेज में जाके जो है आप ओपन जो रैली भर्ती है जो भर्ती आप दे सकते हैं, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको रनिंग करना है, काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगर आप हल्का फिर प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली तरीके से जो आप एनसीसी की भर्ती निकाल सकते हैं। बहुत लोग हर साल जाते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि ये वीडियो अपलोड करने में मुझे ज़रा सा लेट हो गया, क्योंकि ये 2 तारीख का वीडियो है और मैं आज 6 तारीख को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी था। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रनिंग आपको करना है, और सारे जो प्रोसेस है दोस्तों इसमें कुछ भी ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि एनसीसी में जाने के लिए सोचते हैं कि भाई एनसीसी करना है तो मेरा जॉब ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एनसीसी में जाना चाहते हैं, इससे आपको बहुत चीज़ों का नॉलेज मिलता है कि किस तरह से फ़ौज का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, कैसे हमें एक टाइमली
वर्कआउट करना हो या फिर ज़िंदगी में कैसे कामयाब बनना, ये सारी जानकारी जो है आपको फ़ौज के अंदर या एनसीसी के अंदर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनका सपना है हमको फ़ौज में भर्ती होने का, वो एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, बहुत लोग ये भी दावा करते हैं भाई कि मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, मैं आपका ये यहाँ करवा दूंगा, वहाँ करवा दूंगा, तो मुझे कुछ पैसे दे दो। तो मैं बता दूं कि एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी पैसा नहीं लगता है। अगर आपको कोई भी बोलता है कि भाई मुझे पैसा दे दो, मैं आपको एनसीसी ज्वाइन करवा दूंगा, तो आप ऐसा ना करें, ठीक है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें और अपने कॉलेज में बात करें। अगर आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं है तो अपने एरिया के जहाँ भी एनसीसी का बटालियन है वहाँ जा सकते हैं, उनके जो कमांडर से उनसे बात कर सकते हैं कि सर मुझे एनसीसी करना है और मेरे कॉलेज में एनसीसी नहीं है, तो हम किस तरीके से एनसीसी कर सकते हैं। तो जो कमांडर है आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे कैसे आपको जो है एनसीसी ज्वाइन करना है। वो अगर आपको रिकमेंडेशन दे देते हैं तो आप इजीली जो है एनसीसी ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, जैसे कि बता दूं, बहुत लोग ये सोचते भैया कि मैंने यहाँ पर दौड़ लिया, मेरा सिलेक्शन हो गया तुरंत, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रनिंग करने के बाद ही बहुत सारा प्रोसीजर आपको देखना पड़ता है, जैसे कि आप कॉलेज में है या नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा यहाँ पे कि भाई आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन आपने जो अप्लाई किया था तो क्या आपका सिलेक्शन उसमें हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका सिलेक्शन रहेगा और एक लिस्ट होता है, वो लिस्ट में देखने के बाद ही आपका अगर नाम रहेगा तो आपको दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं सारे कुछ रनिंग के बाद, आपका डॉक्यूमेंटेशन के बाद, सारे सिलेक्शन होने के बाद भी दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर कम से कम 2 महीने का आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए डेली यहाँ पे आना होगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस जो होगा, जो ट्रेनिंग होगा, वो हो सकता है कि किसी टीचर के थ्रू भी हो और आर्मी वाले के थ्रू भी हो, या फिर कॉलेज का जो स्टूडेंट जो सीनियर है उसके थ्रू हो, तो ये चीज़ किया जाता है, ठीक है। तो लगातार 1 महीने से 2 महीने तक ये ट्रेनिंग चलेगा, आपको रेगुलर आना होगा। अगर आप आ सकते हो तो भी करना, अगर नहीं आ पाओगे तो क्या होगा, बीच में आपको जो है वहाँ से एनसीसी से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि ये लोग देखते हैं कि बंदे के अंदर कितना क्षमता है, क्या वो डेली आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो अगर आप 2-4 दिन जाते हैं फिर नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपको वहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपके अटेंडेंस का जो है परसेंटेज मांगा जाता है कि भाई 80% या 90% आपको यहाँ पे परफेक्ट होना ही होना है। और आपको पता है कि भाई फौज का जो रूल्स होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये कॉलेज की तरह नहीं है कि 10-20 रुपये दे के आप अपना अटेंडेंस को जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से रनिंग कर रहे हैं, 4 चक्कर यहाँ पर आपको रनिंग करना होगा। और बहुत जल्द या 6 तारीख को ही शायद पीके रॉय कॉलेज का भी एनसीसी का रैली भर्ती है, तो आप अगर नॉलेज नहीं है तो आप कॉलेज में जाकर बात कर सकते हैं कि किस तरह से आपको देना है। अगर आप, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया कब है रैली, कब है रैली, तो मैं आपको वीडियो बनाकर भी आपको इन्फॉर्म कर दिया था पहले भी। तो अगर इसी तरह से अपडेट आपको जानना चाहते हो और चाहते हो कि एनसीसी के बारे में मैं बहुत कुछ जानूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आपको किसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो और फौज में भर्ती होना चाहते हो और आपकी रनिंग अच्छी नहीं है, तो हम आपको जो है ट्रेनिंग देते हैं किस तरह से आपको रनिंग करना है, क्या डाइट प्लान होना चाहिए, सारी जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू भी देता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस भी देता हूँ। अगर आप क्लास करना चाहते हो उसके लिए रिगार्डिंग आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो है डिस्प्ले पर दिखता होगा, आप वहाँ पर मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से रनिंग यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मैं हर बार म्यूज़िक वगैरह भी लगा देता था, पर मैं वीडियो के अंदर म्यूज़िक बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपको पता चले कि ओरिजिनल जो चीज़ें होते हैं वो किस तरह से वहाँ पे भर्ती होता है और किस तरह से आपको मोटिवेट होना पड़ता है कि फौज में भर्ती होने के लिए। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है बंदे, ये जो है आप देखते हैं फिनिशिंग कितने अच्छे से इन्होंने दिया है, और बहुत अच्छा रनिंग उन्होंने किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टोटली 3 ग्रुप बनाया गया था, और कुछ ग्रुप ने बहुत गलती भी किया जिसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट में दिया गया था, वो गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इस ये वीडियो अपलोड होने के बाद मैं आपको कुछ और भी वीडियो अपलोड करूँगा जो कि इंडिविजुअल होगा, जो ग्रुप वहाँ पर रनिंग किए थे उन सभी के बारे में होगा, ठीक है। वो सारे वीडियो भी आप देख लेना, जिससे जो भी बंदे वहाँ पर गए थे जो भर्ती में हैं और वीडियो के अंदर में वो हैं, तो आप अपने वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं कि उन्होंने क्या गलती किया, क्या उनके अंदर क्वालिटी है, क्या क्वालिटी नहीं है, वो वीडियो देख के उन्हें सीखने को जो है मिल जाएगा। जब भी आप आर्मी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि लास्ट के 100 मीटर या 200 मीटर आपके अंदर जो है इतना एनर्जी होना चाहिए कि आप जो है फिर टान के कंप्लीट कर सकें। क्योंकि
मैं मुझे पता है कि 10-10 सेकंड की वजह से, 5-5 सेकंड की वजह से जो बंदे हैं छट जाते हैं, तो आपको लार्फ का जो है ना स्पीड आपको बनाना होगा। देख सकते हैं कि लार्फ में बहुत लोग क्या होता है, लूज हो जाते हैं, बॉडी लूज हो जाता है, भाई नहीं काम कर रहा, पैर नहीं खुल रहा, तो इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस पहले से करना होगा, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सोचेंगे भाई हम जाकर रनिंग कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेहनत करोगे तभी आपको उसका फल मिलेगा, और बिना मेहनत का भाई तो कुछ नहीं होना। देख सकते हैं कि लास्ट में कभी भी रुकना नहीं है। बहुत लोग मैंने देखा भाई कि 5 मीटर 6 मीटर जब बचता है तो वो उसका बॉडी धीरे हो जाता है। ये गलती कभी मत करना मेरे भाई, वरना आपको बहुत ही पछताना होगा। ये तो NCC है तो कोई बात नहीं, अगर आर्मी की भर्ती में अगर आपने ऐसा कर दिया और वहाँ पर तुरंत रफी उठ गया, तो आपका जो सपना है वहीं से वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको, जैसे मैंने बताया, आपको NCC से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कोई भी जानकारी देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और इसके बाद जो प्रोसीजर होता है दोस्तों, उसमें आपको पूफ वगैरह लगाना होता है, जरफा डिप लगाना होता है। अब देख सकते हैं ये भी दूसरा बैच था, अब सब बैच में आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको जो है एक एक करके सारा वीडियो अपलोड कर दूँगा, वो आप लोग देख लेना कि आपने रनिंग किस तरीके से किया, आपके अंदर क्या कमियाँ थी। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर सारे लोगों को सिलेक्शन हो का जो लोग सिलेक्शन हुए वहाँ पर आपको देख सकते हैं, वार्म अप वगैरह जरूर करें रनिंग कंप्लीट करने के बाद में। और ये देखिए तीसरा बैच है, जिन लोगों का जो हाइट जरफा कम था उन लोगों को भी लाफ में रनिंग करवाया गया था, ठीक है। किसी को ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया जाएगा, और रनिंग करने के बाद आपको सबको डिप वगैरह लगाना पड़ता है कम कम। आप जब भी जाएं तो कम कम ट्राई करें कि आपको 50 का प्रैक्टिस करके जाना है, 15 लगा के जाना है, ठीक है। 50 कम्प्लीट करोगे, क्योंकि अगर डिपेंड कमांडर के ऊपर करता है, अगर 50 लगवाते हैं या 20 लगवाते हैं या 30 लगवाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप 50 का प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह का नॉलेज हम आपको हर एक वीडियो के अंदर देते रहते हैं। और जो लोग जो है दोस्तों NCC ज्वाइन करना चाहते हैं और प्रॉब्लम उनका आ रहा है कि हमारे कॉलेज में NCC नहीं है, कैसे हम करें, तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको पूरी गाइड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।